हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चितवंश मेराकी। आज हम एक तरह की नमकीन बनाएंगे, चिवड़े की नमकीन। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही कम तेल में मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आइए देख लेते हैं इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये मैंने चिवड़ा लिया है, जिसे आप फ्लैटन राइस भी कहते हैं। ये मैंने 3 कप लिया है। ये मैंने करी पत्ते लिए हैं इसमें डालने के लिए। ये 1 बड़ा चम्मच सौंफ है। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच राई ली है, जिसे आप मस्टर्ड सीड भी कहते हैं। ये 5 से 7 मैंने लाल मिर्च ली है। ये थोड़े से पतले पतले कटे हुए नारियल हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। मैंने इसे इतना पतला काटा है। ये थोड़ी सी हल्दी है। ये मैंने 1 कप मूंगफली ली है। और ये इसे फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल है। ये बेसन के सेव और ये किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप इसे मिलाना चाहें तो आप इसे मिला सकते हैं। इस किशमिश को आपको उसी नारियल के साथ थोड़ा सा फ्राई करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये कढ़ाई मैंने इस पर चढ़ा ली है। अब आइए गैस ऑन कर लेते हैं। इसमें मैं ये चिवड़ा इसी तरह डाल रही हूँ बिना तेल के, क्योंकि मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ मैं इसमें कम से कम तेल यूज़ करने वाली हूँ। इसे आप यूं ही भून लें। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखें, ये स्वाद अनुसार है। ये देखिए हमारा चिवड़ा अच्छी तरीके से सिक गया है। अब आइए इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई में ये मूंगफली डाल लेते हैं और इसे भी हम सूखा ही भुनेंगे। मूंगफली में भी मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा। आप इसे चलाते रहें ताकि ये हर तरफ से सिक जाए। ये देखिए हमारी मूंगफली हर तरीके से सिक गई है। अब आइए इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे छौंकने की तैयारी करते हैं। आप गैस को मीडियम फ्लेम पे कर लें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब उसमें मैं ये नारियल डाल दे रही हूँ। मैंने जैसा पहले भी बताया था आपको कि किशमिश ऑप्शनल है, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, आप इसे निकाल लीजिए। अब इस तेल में मैं ये थोड़ी सी राई डाल रही हूँ जो मैंने पहले से निकाल रखी थी, और ये सौंफ। राई को आप चटकने दें। हमारी राई चटकने लगी है, अब उसमें मैं ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। जो हल्दी मैंने निकाली थी अब ये मैं उसमें डाल रही हूँ। फाइनली ये सारे करी पत्ते मैं इसमें डाल रही हूँ। आप गैस को अब बंद कर दीजिए। इस तेल में अब हम उस चिवड़े को ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी में मैं ये नारियल और जो किशमिश मैंने डाली थी मैं उसको भी इसी में डाल रही हूँ। इन सबको आप एक साथ मिला लें। कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं। अगर आप इसे खट्टी मीठी नमकीन बनाना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे चूड़े की नमकीन बिल्कुल तैयार है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था,
कि इसमें आप बेसन के सेव भी डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। आइए इसे बोल में निकाल लेते हैं। इसे आप घर पर बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।